आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी नान। ये देखिए, इन्हें मैंने घर पे बिना तंदूर के तवे पर बनाया है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी इसका बेस भी अच्छे से सिका हुआ है और ये खाने में बिल्कुल ही बाजार वाले नान की तरह लगते हैं। तो फिर चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। भारतीय रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। नान बनाने के लिए सबसे पहले इसका सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। पहले मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है। सारी सामग्रियों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। फिर इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाला है, साथ ही थोड़ा बेकिंग पाउडर भी डाला है और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने दूध और दही का मिक्सचर डाला है। दूध और दही का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैंने 1 कटोरी गरम दूध डाला है। फिर इसमें 1 चम्मच चीनी और नमक डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि नमक और चीनी दूध में अच्छे से मिल जाए। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच तेल और 1/2 कटोरी दही भी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी लिक्विड मिक्सचर से मैं नान का आटा तैयार करूंगी। आटे में लम्स ना पड़े इसलिए मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स को वेट के साथ और ड्राई को ड्राई के साथ मिक्स किया है। ध्यान रहे, नान का आटा सॉफ्ट होना चाहिए और इसमें खिंचाव भी होना चाहिए। अगर आटा लगाते टाइम दो हाथ में चिपकने लगे तो थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर आटे को अच्छे से तैयार करें। जब आटे में ऐसे खिंचाव आने लगे तब आप इस स्टेज पे इसमें हल्का मैदा डाल दें और तेल तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो हाथ से आटा छूटेगा। थोड़ी देर में आटा एक साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल ऐसे। बस तेल लगाकर इसे सॉफ्ट करते रहें। आपका आटा सॉफ्ट है या नहीं पता लगाने के लिए अपने हाथ से आटे को हल्का प्रेस करें और वो वापस ऊपर आ जाएगा। इसे अच्छे से मल लें और आखिरी में फटाफट से आटे पे तेल लगाकर एक और बार मल लें। अब आटे को एक साफ पॉलिथीन या किसी बर्तन में ढक के रूम टेम्परेचर में 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। 3-4 घंटे हो चुके हैं और ये देखो आप आटा कितना फूल गया है। और इसके अंदर काफी सारा ग्लूटेन भी आ गया है। नान बनाने से पहले आटे को अच्छे से मल के स्मूथ कर लें ताकि नान और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब रोल आउट करके फटाफट से इसकी मीडियम साइज की लोइयां बना लें और सारी लोइयों को उसी पॉलिथीन या बर्तन में ढके रख दें जिसमें आटा रखा हुआ था ताकि आटे में ग्लूटेन बना रहे और लोइयां सूखे ना। अब एक पेड़ा लेकर उसको अच्छे से मलते हुए हाथ में गोल लोई बना लें। फिर मैदा लगाते हुए अपने चकले के साइज का बेल लें।
नान के ऊपर थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल दें और नान को फिर से बेल लें। इससे धनिया इसमें ही चिपका रहेगा। अब नान को पलटकर नीचे वाले हिस्से पे नमक वाला पानी लगा दें, जिससे हमारे नान का बेस क्रिस्पी बनेगा। और फिर आखिरी में अपनी उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब हाई फ्लेम पर नान को तवे पे चिपका दें और बस एक मिनट या जब तक नान के ऊपर बबल्स ना निकलें तब तक सेक लें। एक मिनट बाद गैस को करें लो और तवे को पलट कर ऊपर वाली साइड भी अच्छे से सेक लें और बीच बीच में चेक भी करें कि कहीं ऊपर से नान जल तो नहीं गया। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाला तंदूरी नान। ऊपर से भी सिका हुआ और इसका बेस भी क्रिस्पी है। अब इसी तरीके से आप सारे नान को बना लें और ध्यान रहे कि एक नान सेकने के बाद नान पे घी या बटर तवे पे रख कर ना लगाएं, वरना उसके बाद आपके नान तवे पे नहीं चिपकेगा और आपको तवा धोना पड़ेगा। नान को अलग प्लेट में निकाल कर मैंने इस पे घी लगाया है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा नान नीचे से भी परफेक्ट लग रहा है। हमारा तंदूरी नान बनकर तैयार है। अब तंदूरी नान के साथ ढाबे वाली कढ़ाई पनीर ना हो तो क्या मजा। कढ़ाई पनीर की भी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।